लेकिन वन नेशन और वन इलेक्शन की अगर बात यहाँ सरकार कर रही है तो वक्त इतना है हमारे पास, और जैसे कि सतीश जी कह रहे हैं कि हमारे चुनाव आयोग कितनी क्षमता है, कितने कम वक्त में सब तैयारियां कर ले। देखिए पूजा जी, दो बात बिल्कुल अलग है। वक्त कितना है इस पर कमिटी डिसाइड करेगी, सदन डिसाइड करेगा। क्षमता कितनी है, देश की बिल्कुल क्षमता है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि डिजिटल इंडिया की क्षमता है क्या देश की, कौन गरीब आदमी टमाटर बेचने वाला डिजिटल पेमेंट ले सकता है। आज दुनिया की जितनी डिजिटल पेमेंट्स होती है उसका 100 गुना हमारे देश में हो रहा है, तो इसलिए क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। हमारे देश में बिल्कुल क्षमता है, हम दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री है, हम जो चाहेंगे कर सकते हैं। समय की बात है, कितने समय में हम कर पाएंगे, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कितना लेजिस्लेटिवली पॉसिबल है, उसी के लिए कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी। जब कमेटी रिकमेंडेशन देगी उसके बाद सदन उस पर चर्चा करेगी। अभी हमारे एक साथी कांग्रेस से बोल रहे थे पहले सदन चर्चा करे फिर कमेटी बने। अरे आप किस प्रकार से, अरे आप भी सत्ता में रहे, याद करिए कभी ऐसे देश चलाया था कि आपने, शायद ऐसे ही चलाया था, इसलिए देश का ये हाल। ठीक है राजू, आप मारे कमेटी अपनी रिकमेंडेशन राजू जी, फिर सदन चर्चा। क्या है, ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता का अभ्यास बहुत कम है, युवा है वो। मैं उनको सलाह देता हूँ कि थोड़ा पढ़ाई कीजिए, 60 साल में देश ने क्या किया इसके लिए आप यहाँ बैठे हो। और डिजिटल इंडिया की बात जो शुरू की थी वो राजीव गांधी ने शुरू की थी, और देश में डिजिटल क्रांति लेके आए थे, तभी आपके ही बीजेपी वाले, तभी आप शायद थे या नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपके ही बीजेपी वाले कंप्यूटर के खिलाफ नारे लगा के रस्ते पे बैठे थे। तो आप ये हमको मन बताइए कि क्या देश चलाना और कैसे चलाना। रही बात दूसरी, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कर रहे हैं, ये मोदी जी का नया पेत्रा है कि मूलभूत समस्याओं से जनता का ध्यान दूसरी तरफ लेके जाना। इनको भी मालूम है क्या, हमारे साथी बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनको मालूम है कि कितने ईवीएम लगने वाले है, क्या इतने ईवीएम 6 महीने में आप बना सकते हो, आप उसको लगा सकते हो, क्या वीवीपैड आप लगा सकते हो, आप इतने जो लोग हैं वो आप लगा सकते हो, ये नहीं हो सकता है भाई साहब। ठीक है, चुनौती अगर बीजेपी के साथ भी है तो चुनौती आपके सहयोगी दलों के साथ भी है। राजू जी वक्त कम है ना, इसमें सबको वक्त देना पड़ेगा। एक मिनट पूजा जी, एक मिनट, 10 सेकंड। एक जो पूरा पैतरा मोदी जी का चालू है, ये देश को तानाशाही की तरफ लेके जाने का एक पूरी तरह से ये साजिश है, और लोकतंत्र को और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की और लोकतंत्र को खतरे में डालने का ये पाउल, ठीक है, ये जो पहल है ये मोदी जी उठा रहे हैं। राजू जी ठीक है, कीर्ति निधि पांडे ठीक है, पूरा विपक्षी गठबंधन इसे बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती बता ही रहा है, लेकिन आपके लिए भी तो उससे बड़ी चुनौती है। सबसे जो पेचीदगी जो है वो आपकी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर ही है। आप कह रहे हैं भाई रनर अप फॉर्मूला, जो जहां मजबूत है वो वहां से लड़े, ये कैसे पॉसिबल होगा? और लगातार कमेटियों का गठन हो रहा है, और सीट शेयरिंग के लिए भी राज्यवार कमेटियां बनेंगी तो निश्चित रूप से उसका भी हल निकलेगा, और सब मिलकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे। लोकसभा विधानसभा एक साथ हो, अलग अलग हो, जैसे भी चुनाव होगा वो सब मिलकर ठीक है लड़ने का काम करेंगे। ठीक है रोहित जाखड़ साहब, 30 तारीख तक सब हो जाएगा फाइनल क्या? सीट शेयरिंग पर मंथन चिंतन सब करके फाइनल हो जाएगा कौन कहां से लड़ेगा? पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन साथियों के साथ चुनाव लड़ रही है, खाली अकेली बीजेपी नहीं लड़ रही, उसके साथ भी कोएलिशन पार्टनर्स हैं, और सीट शेयरिंग चुनाव को आते आते सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। हम लोग पूरी तरह एकजुट हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ एकजुट हैं, देश को की मूल समस्याओं को लेकर एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम ध्रुवीकरण की राजनीति से रोकने का कार्य करेंगे, और देश की मूल समस्याओं पे चुनाव केंद्रित होगा, चुनाव मूल समस्याओं पर केंद्रित होकर लड़ा जाएगा, और निश्चित ही जीत किसान का मेरे वंचित बेरोजगारों की मूल समस्याओं के निवारण। तीसरी बैठक तक आप पहुंच गए, कहां बात संयोजक के नाम को ले रही थी, लोगों तक पे तो आप लोग सहमति बना नहीं पा रहे। सहमति नहीं बन रही, आप जो प्रोसेस का कार्य होता है सहमति ही बन रही है, यदि तो एक मंच पे एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी के अपने कोएलिशन पार्टनर के साथ सहमति नहीं बन गई, निषाद पार्टी उनसे अलग चुनाव लड़ी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से आपने कभी सवाल पूछा? जब परिवार बड़ा होता है तो सहमति होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन
हमारा लक्ष्य चुनाव है, चुनाव से पहले सब चीजें प्रत्यक्ष आपके सामने होंगी और निश्चित ही हमारी जो एकजुटता है वो मूल समस्याओं के निवारण के लिए है। सभी वर्गों की मूल समस्याओं के निवारण के लिए हम एकजुट हुए हैं, क्योंकि हर वर्ग दुखी है, इसलिए हम एकजुट हैं और निश्चित इस एकजुटता के परिणाम आपको प्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम में तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। और भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, आशंकित है, इसीलिए नए नए जो प्रोपेगेंडा के साथ वो आ रही है। लेकिन प्रोफेसर सतीश, अगर हम इस बीच, ठीक है रोहित, ठीक है प्रोफेसर सतीश, अगर हम इस बीच बात वन नेशन वन इलेक्शन की करने लगते हैं, उसके अजम्पशंस हम लगातार कर रहे हैं कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा, अगर ये हो जाए एक और अजम्पशन, तो क्षेत्रीय पार्टियां वो कहां जाएंगी? देखिए दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं कि अभी जो चुनाव आयोग की क्षमताओं को लेकर के सवाल, देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी की इस देश में बहुत पुरानी मांग है, वो जो ईवीएम से चल करके वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन वोटिंग करना चाहते हैं। देखिए बात को समझिए, इनको चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया के नाम पर लोगों के सामने ऑनलाइन वोटिंग कराएंगे, ये 100% कहीं ना कहीं ये मॉडल तय करेंगे। और उसके पीछे इनका कहीं ना कहीं लॉजिक है कि जो गांव के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो सामाजिक रूप से कमजोर हैं, जो इस देश की व्यवस्था से जुड़े नहीं है, किसी भी तरीके से जानबूझ करके देश की ऐसी आबादी को कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनने से रोका गया है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा विधानसभा के साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर क्षेत्रीय पार्टियों पर पड़ता है, वो और कमजोर होती नजर आती है। नहीं देखो क्षेत्रीय पार्टियां नहीं, देखिए पांच राज्यों में जो आगामी पांच राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना में बीजेपी है नहीं, झारखंड में आप, छत्तीसगढ़ में आपकी क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में आप 100% हारेंगे, राजस्थान में आपका कहीं ना कहीं संगठन काम नहीं कर रहा, हरियाणा में कहीं ना कहीं आप सरकार की नाकामियों को निकाल करके कहीं ना कहीं वहां हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, तो वो सारे राजनीतिक टोने टोक के बीजेपी करना चाहती है। सभी को देना चाह रही हूँ, सिद्धार्थ जवाब दीजिए, 10 सेकंड आपके पास है। देखिए मैं तो बहुत आश्चर्य में आ गया, जो बात बोल रहे थे मैं शायद बिल्कुल चेन ऑफ थॉट भी खो चुका हूँ, किस प्रकार की बात यहाँ पे भी की जा रही थी, डिजिटल वोटिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, यही वो भय की राजनीति है, ये मात्र भय फैला फैलाकर देश के लोगों को डरा डरा कर उनको गरीब रख रख कर कभी देश में विकास नहीं करना चाहते थे। ये देश विकासशील है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट जाएगा, देश का एक एक व्यक्ति वो तैयार खड़ा है बिल्कुल अमृत काल में देश में कंट्रीब्यूट करके वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ विश्व अपनी पहचान छोड़ने के लिए। ये जितने घमंडिया वाले लोग हैं है। ये रो लें, राजू जी, ये दो लें, ये कुछ कर लें, कोई फर्क नहीं। अगर यहां बीजेपी के लिए आप कह रहे हैं तो भय तो यहां पर अब खड़ा विपक्षी गठबंधन के लिए भी हो गया है। राजू वाघमारे, देखिए इंडिया का गठबंधन से बीजेपी पूरी तरह से डर गई है, और ये इलेक्शन जो है ये चुनाव मोदी के खिलाफ नहीं है, ये भाजपा की नीति के खिलाफ है, ये बेरोजगारी के खिलाफ है, ये किसानों के जो क्रॉप के खिलाफ है, महिलाओं के सुरक्षा के खिलाफ है, तो ये चुनाव हम लड़ रहे हैं इनकी नीति के खिलाफ, क्योंकि ये डर गए। समय कम है मेरे पास, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्या अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होने वाले हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार वार पलटवार तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से चल ही रहे हैं, चर्चा भी आगे लगातार हम करते ही रहेंगे, जब तक चुनाव है तो ये चुनावी बिसात यूं ही बिछती रहेगी। इसी के साथ आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही, नमस्कार।